के बीच में हूँ, ये सच वो खत है जो मैंने लिखा नहीं, जो मुझ पे बीता मैं आपको आप तक शेयर करता हूँ, जो मुझ पे बीता इस वक्त समझिए इस खत के लिए आपके सामने मोहन मुंतजर नहीं एक दिल जला खड़ा हुआ है। लेकिन दिल जले को दिल जले की तरह सुनना, आइए मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन मानना, इस सच के दो हिस्सों में मेरा साथ देना, अगले दो हिस्सों में मैं आपका साथ दूंगा। कभी आप तो सुनाओ, कभी किसी को खत में लिखकर भेजा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उस खत को उसने चार टुकड़े में वापस आपकी तरफ उछाल दिया होगा। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। यहाँ से खत का अगला हिस्सा पढ़ता हूँ, ये सब धीरे धीरे जवाब होगा। करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घरवाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तनहा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मेरा यकीन मानना, इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए, वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों में किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा, जब तक कि जियो नहीं आया था। यहाँ से खत के असली हिस्से शुरू करता हूँ, ये करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताऊंगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी बाबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मुझे मालूम था बोलोगे इस सब के आखिरी जो हिस्से सबसे अच्छे कहे, इस बार इस सब का ये हिस्सा अपने बुजुर्गों की तरफ से अपने नौजवान भाइयों को नसीहत देता हूँ। 2 मिनट आपके बीच में सुनेगा, ये करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओ बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मुंजियार वालों, इस खत का आखिरी हिस्सा, जी मेरे भाई, मैं इस खत का आखिरी हिस्सा और अपनी जिंदगी का दर्द आपके सामने उड़ेल के रखता हूँ, बस इस बार अपना ये शोर अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं और मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है। ये करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही जो आए, हम चाहते ही नहीं।
दोस्तों आप अपनी हड़ताल खत्म कर, अच्छा आप अच्छा है, मुझे ये बताइए क्या आपको ये उम्मीद है कि आप गुजारिश करेंगे, आप हुक्म देंगे और मैं आपकी बात काटूंगा? मैं तो आज आपका वकील बन के बैठा हूं ना, तो मैं बिल्कुल आपको मायूस नहीं करूंगा, लेकिन एक एक